नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। पूर्व एमएलसी भाजपा के टुन्ना जी पांडे को आप सभी जानते होंगे। फेमस नेता हैं, प्रचलित नेता हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। कारण है उनका बयान। लगातार वो विवादित टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं, जिसे लेकर भाजपा उन्हें निलंबित भी कर चुकी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कड़े तेवर में वो लगातार पेश आ रहे थे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें साइड लगा दिया। तो अब वो भाजपा के खिलाफत में आ चुके हैं, भाजपा के विरुद्ध में लगातार उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन भाजपा पर अटैक करते करते अब खुद वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे हैं। उनके अगर हम ताजा सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं तो लगातार वो ये सवाल उठा रहे हैं कि देश में हर विजयदशमी को रावण की प्रतिमा क्यों जलाई जाती है, कंस की और कौरवों की प्रतिमा क्यों नहीं जलाई जाती है। रावण को जस्टिफाई कर रहे हैं कि रावण बहुत सज्जन व्यक्ति था, रावण ब्राह्मण था, रावण पूजनीय था, देवता भी उसे पूछते थे, राजा दशरथ भी उन्हें पूछते थे। देखिए, एक आपको पोस्ट दिखा देते हैं। पहले इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि जिस रावण को तुम पूजनीय नहीं मानते हो, उसी रावण को राम के पिताजी राजा दशरथ जी ने अयोध्या में अपने महल में रावण के पैर धोए और भोजन कराए। ये ज्ञान तुमको भगवा पगड़ी, जी हाँ, भगवा पगड़ी बांध से नहीं मिलेगा। तो भगवा पगड़ी मतलब बीजेपी, ये बिल्कुल साफ है, पूरा देश जानता है। तो बीजेपी की आड़ में अब वो सीधे तरीके से जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं और खुद अपने जात यानी ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक पोस्ट लिख रहे हैं। लाइव गए थे वो कल, देखिए लाइव में वो किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं रावण को। रावण महान पंडित था, रावण के अंडर में सारे देवी देवता उनके उसके अधीन थे, इतने प्रचंड विद्वान था। बैजनाथ धाम जिसको पूजा करने आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। किसने स्थापना लाया वहां से भगवान शिव को, किसमें इसमें ताकत है जो कैलाश पर्वत से भगवान शिव को तपस्या करके उठाकर लेकर चला आया। उस रावण को लोग हम लोग अहंकारी कहते हैं, हम लोग तरह तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि उनका पुतला हर साल दहन होता है। हम पूछना चाहते हैं कि रावण की क्या गलती है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, सीता माँ, हमारी सीता माँ है, सब लोग कहता है, हम लोग भी कहते हैं, सीता माँ का हरण किया। क्यों किया? अगर आपकी बहन का नाक कान कोई काट दे तो आप क्या करिएगा? उस आदमी को प्रणाम करिएगा क्या जा करके? रावण की बहन सुपर्णखा, उसका नाक और कान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी ने काट दिया। उसके एवज में वो जाकर अपने भाई से रोई गई, उस सीता को हरण कर लिया। उस सीता के साथ कोई अभद्र व्यवहार तो किया नहीं, सीता को एकदम पवित्र बनाकर अपने यहां रखा। रावण कितना मर्यादित व्यक्ति था आप इसी से समझ जाइए। अगर रावण किसी की बहन का नाक काट लिया गया, उसके एवज में उन्होंने सीता का हरण करके लेके चले गए, तो इसके लिए रावण का पुतला हर बार दहन करते हैं। आपको पुतला तो भीष्म पितामह का भी करना चाहिए, जिन्होंने अंबे अंबा अंबालिका तीनों कन्याओं का अपहरण करके उठा लाए और ला करके दो आदमी का शादी करा दिए, एक कन्या को छोड़ दिए जो बाद में सिकंडी के रूप में जन्म हुआ उसका, उसी से उनका नाश हुआ भीष्म पितामह का। तो आप भीष्म पितामह का प्रतिमा का क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं कि जो बीच स्वयंवर में से तीन कन्याओं का अपहरण करके उठा के लेके चले आए? अगर आपको पुतला दहन करना है, आप दुशासन का पुतला क्यों नहीं दहन करते हैं जो बीच सभा में एक स्त्री द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था और सारे लोग वहां बैठकर देख रहे थे? तो उस भारी सभा में द्रौपदी की अपमान हो रही थी, तो उसकी प्रतिमा को क्यों नहीं हर साल जलाया जाता है? अगर आपको जलाना ही है तो कंस जैसा अतिताई कौन था? रावण कौरव कंस लोग कहता है, कौरव का भी पुतला दान होना चाहिए, कंस का भी पुतला दान होना चाहिए। तो आपने सुना टुन्ना जी पांडे को, पूर्व एमएलसी रहे हैं, भाजपा उन्हें साइड लगा चुकी है। लेकिन अगर भाजपा से उन्हें बैर है तो यह हक उनको कौन देता है कि भारत में रहते हुए रावण को वो जस्टिफाई करें? वो रावण जो किसी दूसरे की पर स्त्री का गमन करता है, पर स्त्री का अपहरण कर लेता है, अपने सगे भाई को लात मारकर राज से बाहर निकाल देता है, अपने पूरे कुल का समूल नाश करवा देता है सिर्फ अपने अभिमान के चलते। रावण को भारत में हमारे धर्म शास्त्रों में पुराणों में हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि बुराई का प्रतीक है, जाति कोई विषय नहीं है रावण के संबंध में। लेकिन टुन्ना जी पांडे के पास चूंकि अब कोई राजनीति नहीं बची है, उनके पास करने को कुछ नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में अब वो ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि देश के ब्राह्मण
पता नहीं किस युग में जी रहे हैं, किस मुकालते में जी रहे हैं कि आज वो अपने ही पूर्वज रावण की प्रतिमा को आग लगाते हैं। सीधा अटैक उन्होंने किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विजयदशमी को स्थापना दिवस मनाया जाता है आरएसएस का, और उसी दिन लंका दहन होता है, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण की प्रतिमा को आग लगाया जाता है। तो सीधे तरीके से टुन्ना जी पांडे जो हैं वो ब्राह्मणों को प्रोवोकेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि आपको जो भगवाधारी लोग हैं, जो बीजेपी है या जो तमाम संस्थाएं हैं जो रावण को जलाती हैं, वो गलत करते हैं। आपने वो वीडियो भी देखा। अब ऐसे में ब्राह्मण इस मामले को कैसे लेते हैं, ये अगर हम सोशल मीडिया खंगालते हैं तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर ब्राह्मण जो हैं उनके, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी जाइएगा तो आपको दिखेगा कि लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, लोग उनसे अब विरोध कर रहे हैं। और विरोध हो भी क्यों ना, आखिरकार बचपन से हमने यही पाठ तो पढ़ा है, यही पाठ तो सीखा है कि रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसे में टुन्ना जी पांडे कितना भी जस्टिफाई करे, कितना भी सफाई दे रावण के विषय में, लेकिन जनता जो है उसे एक्सेप्ट फिलहाल करते नहीं करते हुए दिख रही है। खासकर उनके कमेंट सेक्शन पर अगर हम नजर फेरते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रावण की पूजा होनी चाहिए या फिर रावण को जलाया जाना चाहिए हर साल विजयदशमी को? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।